हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन के पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपके साथ जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ वो जून 2023 के हैं। ठीक है, एनडीए का पार्ट नंबर 26 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं अन अकेडमी पे आज शाम को भी मेरी स्पेशल क्लास है, जो फ्री क्लास है आप सबके लिए 7 बजे। जरूर से आके उसको अटेंड कीजिएगा, बिकॉज उसमें मैं आपको मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कराने वाली हूँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पे एक क्लास रहेगी जो आज है शाम को 7 बजे। ठीक है ना, आज के दिन पे ये क्लास है। ठीक है, आज आपके 15 दिसंबर है। ठीक है, 15 दिसंबर को ये क्लास थी जो मैंने कल ही बताई थी, इसका लिंक कल दिया हुआ था वीडियो में। और कल 16 दिसंबर को अन अकेडमी में मेरी क्लास है जिसमें मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन डिस्कस करने वाली हूँ, वो है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये दोनों ही क्लासेस 7 बजे होने वाली है शाम को। ठीक है, 7 PM। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, और ये क्लास का लिंक कल के वीडियो में गिवन है। ठीक है, या कम्युनिटी टैब पे भी गिवन है, तो जाइए वहां से जाके, जरूर से जाके मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए, एंड साथ ही साथ आप क्या कर लीजिए, इन लेक्चर्स को भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइव लेक्चर्स रहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लाइव अटेंड करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर से जाके वहां पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और एक्चुअल में हमारा 186 क्वेश्चन। तो आपने से कोई पूछ सकता है मैम 1 to 185 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो पार्ट नंबर 1 to 25 में है। ठीक है, 2023 के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके इनको देख लीजिए। ठीक है, 25। चलो स्टार्ट करते हैं। द एशियन स्कॉलर हु लाइक एरिस्टोटल सपोर्टेड द एथिकल कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन एज अप्लाइड इन कम्युनिकेशन वॉर्स। अब ऐसा कौन सा एथिकल कॉन्सेप्ट था गोल्डन मीन जो इस स्कॉलर ने भी एरिस्टोटल के जैसे सपोर्ट किए थे। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, गोल्डन मीन का जो कंसेप्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए आपके पास। ठीक है, अब पतंजलि तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पतंजलि किससे रिलेटेड है, योगा है ना। दाऊद कुछ फ्रेंच सॉरी कुछ चाइनीज नाम लग रहा है, राइट, तो वो भी नहीं हो सकता है ना। कहीं ना कहीं ऐसे करके आप कट कर सकते हो। अब क्या बचता है, आनंदा कुमार स्वामी की कॉन्फिस्कस। अब सीधी बात है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम किसने किए, कॉन्फिस्कस ने किया है ना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, कॉन्फिस्कस। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, कुछ नहीं था, बस इतना ही पूछा था ये जो गोल्डन मीन का कंसेप्ट है ये कम्युनिकेशन में किसने सपोर्ट किया था। ठीक है, अब अगर आपको जानना हो गोल्डन मीन क्या है तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, गोल्डन मीन क्या होता है, गोल्डन मीन बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप दो एक्सट्रीम चीजों में क्या करते हो, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ट्रेड को क्लासीफाई करते हो। आप क्या करते हो, किसी के भी ट्रेड को, किसी की भी कोई क्वालिटी को क्या करते हो, दो एक्सट्रीम एंड में क्वालिफाई करते हो। जैसे मैं बोलूं आइदर आप ब्यूटीफुल हो, या मैं बोलूं आप अगली हो, मतलब या तो आप खूबसूरत हो या तो आप बदसूरत हो, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो ना। वैसे ही या तो आप गुड हो या तो आप बैड हो, या तो आप क्या हो, एकदम ही जैसे मॉर्निंग इवनिंग ऐसे हो गया है ना। तो ये जो कंसेप्ट है यही होता है आपका गोल्डन मीन। ठीक है, गोल्डन मीन में क्या होता है, दो एक्सट्रीम चीजों की बात होती है। किन चीजों की बात होती है, दो एक्सट्रीम एंड्स की बात होती है किसी भी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, गोल्डन मीन क्या है और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 187th क्वेश्चन। विच वर द रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब अलग अलग यहाँ पे रिकमेंडेशन दी हुई है, इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन है जो किसकी है, हंटर कमीशन की। अब नॉर्मली क्या होता है ना, हायर एजुकेशन से दो टाइप की कमीशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक है प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोनों को लर्न कर लीजिए, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को, किसी से भी पूछा जा सकता है। अब हंटर कमीशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, और ये सारी कमीशन कमिटीज ये आपको लर्न करनी है, कुछ नहीं है, हर एक की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लर्न कर लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कैसे? हंटर कमीशन ने क्या क्या किया था? हंटर कमीशन ने बोला था गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन की जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में दे देनी चाहिए? इंडियंस के हाथ में दे देनी चाहिए, ऐसा हंटर कमीशन का मानना था। फिर हंटर कमीशन का ये भी मानना था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने चाहिए जब उनकी कोई डिमांड हो तभी एस्टैब्लिश करो, अगर डिमांड नहीं है तो क्यों कॉलेज बना रहे, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो हंटर कमीशन ने बोली थी कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट्स टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जेनरसली, जो भी नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस है यानी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनको आपको ग्रांट देनी चाहिए, ऐसा इसका मानना, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो हंटर कमीशन के अंडर बोली गई थी, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस की सारी कमिटीज एक पेपर पे लिख लीजिए, उनकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए ताकि सारा कुछ कवर हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 188th क्वेश्चन, which of the following pairs of acronym and its expanded form is incorrectly matched? अब हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा incorrect है, ठीक है। अब DRAM क्या होता है? Dynamic Random Access Memory, ये तो correct है। MICR क्या होता है? Magnetic Ink Character Reader, ये भी ठीक है। VLSI Very Large Scale Integration, ये भी ठीक है। मतलब इसका right answer क्या हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा option number A, ये जो है ये incorrectly matched है। CMOS का फुल फॉर्म कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नहीं है, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट यानी नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है तो मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका राइट फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन का ट्रेंड मैं देख लू जिसको इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है ना, फुल फॉर्म देख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 189th क्वेश्चन। कोडिंग इज अ क्रूशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ कंटेंट एनालिसिस, जब भी आप किसी कंटेंट को एनालाइज करते हो उसमें कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कोडिंग यानी कि आप उसको एक तरीके से एक ताला लगा देते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। अ कोडिंग शेड्यूल इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशंस दैट विल बी एम्प्लॉयड इन द कोडिंग प्रोसेस एंड इंडिकेशंस ऑफ द गाइडेंस फॉर कोडर्स, तो ये भी ठीक है, यानी दोनों भी स्टेटमेंट राइट है ना, दोनों भी स्टेटमेंट राइट है, तो सीधी बात है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गलती से चीज लिखी है, नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्यों? कोडिंग में क्या होता है, आप कोडिंग करनी है अगर तो आपको अच्छे से कंटेंट एनालिसिस करना है तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, और कोडिंग के शेड्यूल में आपके पास सारी चीजें मेंशन रहती है जिसके थ्रू आप समझ सको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 190th क्वेश्चन, द रेफरेंस टाइम सेक्शन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इज रिटन इन APA style. APA का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए बताइए, APA का फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, रिसर्च में ये चीज पूछी जाती है ना। APA का फुल फॉर्म क्या होता है? APA का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना। तो अब बोलता है APA फॉर्मेट के हिसाब से इन सब चीजों को करेक्ट इसमें लगाओ, क्या करना है, APA का फॉर्मेट फॉलो करो और इन सब चीजों को करेक्ट फॉर्म में लगाओ, ठीक है। तो APA का मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट पता होगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो सिंपल से समझा देती हूँ APA में क्या होता है, APA में कैसे काम करता है। अब इसका तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। कैसे? सबसे पहले पहले आप क्या लिखते हो, नेम ऑफ ऑथर, जैसे सपोज मेरा नाम है तो मेरा नाम है सपोज प्रियंका नाथन, है ना, तो नाम कैसे आएगा, प्रियंका डॉट थॉमस, सॉरी कॉमा एन डॉट, फिर सेकेंड चीज क्या आती है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सेकेंड चीज क्या आती है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो सपोज मैंने कोई पेपर पब्लिश किया है कब, 2023 में, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर कॉमा, ठीक है, सॉरी फिर फुल स्टॉप,
करके आएगा, फिर आएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या आती है ये करने के बाद, थर्ड चीज क्या आती है, थर्ड चीज आती है आपकी टाइटल ऑफ द आर्टिकल। जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल है वो आप लिखो बैठ के, कि सपोज मैंने जो भी स्टडी किया है उसका टाइटल आपको पूरा लिखना है। एंड फोर्थ चीज क्या आती है लास्ट में, आप क्या लिखोगे उसका पेज नंबर, कि अब ये आर्टिकल में सपोज पेज नंबर 52 पे है मेरा, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो लॉजिक लगा सकते थे आप, कि सबसे पहले पहले तो किसी का नाम ही आएगा, नाम आएगा तो ईयर भी बताना पड़ेगा, फिर टाइटल होगा, फिर पेज नंबर होगा, ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं आप, है ना, क्योंकि सीक्वेंस वैसा ही है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो है एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पेपर में इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जरूर से अनअकैडमी की स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आज शाम को 7 बजे भी है, कल शाम को 7 बजे भी है। आज मैं आपको रिसर्च के मेथड्स कराने वाली हूँ, सैम्पलिंग के मेथड्स कराने वाली हूँ रिसर्च में, और कल मैं आपको क्या कराऊंगी, लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।